से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल एक भाई ने पूछा है। हाल ही में शायद किसी बिशप का दफन विधि को उन्होंने देख करके पूछा, साउथ का एक बिशप को कुर्सी में बिठाया हुआ था और बिठा के दफन विधि हुआ, तो इस बिशप को बिठा करके क्यों दफन विधि किया। सबसे पहले मैं बोलूंगा, लैटिनी कलीसिया के नियम के अनुसार बिशपों को बिठा करके दफनाता नहीं है, लिटा करके ही दफनाता है। हमें मिलेगा जो ओरिएंटल चर्चेस के अंदर जो बिशप्स को बिठा करके दफनाता है। ओरिएंटल चर्च में जैसे हमारे केरल के सीरो मलंगरा कैथोलिक चर्च ही है, वो मलंगरा चर्च के अंदर जो बिशपों को बिठा करके दफनाता है। क्या कारण है? सबसे पहले हमें मालूम है जो बिशप लोग प्रेरितों का जो उसमें उत्तर जो लाइन में आते हैं, 12 प्रेरित लोग, उसी श्रृंखला में बिशप लोग। दूसरी बात है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 28 को पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 19:28 वहां पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रेरितों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। एक बार और पढ़ता हूं, ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, ईसा मसीह, तब तुम लोग 12 प्रेरित लोगों से कहते हैं, तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। तो ये जो बिशप लोग प्रेरितों का जो लाइन में आता है, प्रेरितों का स्थान पर है, इस कारण यही वचन को उनके जीवन को मैं साकार करता हुआ ये एक चिन्ह है। सबसे पहले हमें मालूम है बिशपों को राजकुमार कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं राजा है, उनके प्रेरितों को राजकुमार कहते हैं। इसलिए बिशपों को स्थान मान सम्मान, उनका ड्रेस जो ये सब में हम लोग इस प्रकार देखने के लिए हमें मिलता है। और ईसा मसीह ने ये जो मत्ती का सुसमाचार 19:28 में 12
जो सिंहासन पर तुम भी बैठेंगे, शासन करेंगी, ये बोला। इस कारण वे लोग, हमें मालूम है जो कैथीड्रल चर्च, उसके लिए एक उदाहरण, कैथीड्रल चर्च, एक चर्च को कैथीड्रल इसलिए बोला जाता है वहां पर, वहां का बिशप के लिए एक कुर्सी है, उस कुर्सी के कारण उसको कैथीड्रल चर्च बोलते हैं। वहां पर उनके लिए एक कुर्सी है, वो कुर्सी का स्थान। तो एक बिशप को जो अधिकार, एक धर्म प्रांत के ऊपर जो अधिकार देकर के एक कुर्सी, एक स्थान दिया हुआ है, वो जीवित रहते वक्त अपने धर्म प्रांत के ऊपर शासन कर रहा था, आत्माओं को कमा रहा था, स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के लिए वो कार्य कर रहा था। मृत्यु के बाद भी इसी प्रकार उनको दफनाया जाता है, उसी कुर्सी पर बिठा करके शासन करने वाला बैठता है। इसी वजह से इसी वचन को लेकर के बिठाने का कारण है। कैनलो 378 वगैरह में भी दफन विधि के विषय में विषयों का ये सब लिखा हुआ, उसके साथ हम लोग मिलकर के पढ़ सकते हैं। तो एक क्लास में इससे पूर्व में भी इस विषय में डाला था, उसके अंदर भी कुछ बातें ऐसा बोल करके दिया था। दूसरी बात है, बिशपों को चर्च कैथीड्रल के अंदर ही उनको दफनाता है। वो कहाँ से, वो हमें मालूम है पेत्रुस का जहां शहादत हुआ था। बाद में जब सेंट पीटर्स बसिलिका बनाया, उसी जगह पर उनका शहादत हुआ था। मतलब संत पेत्रुस जो पहला पोप का, जहां शहादत हुआ उसी जगह पर उनका नाम पर जो बसिलिका बनाए हुए सेंट पीटर्स बसिलिका। दूसरी बात है, आदिम कलीसिया में अनेकों लोग इस प्रकार शहीद हुए। उन शहीद हुए संतों के उस दफन विधि हुआ जहां शहादत हुआ, उसी स्थान पर उनके आदर सम्मान में, उनके यादगारी में बाद में चर्च का निर्माण हुआ और उनका रेलिक्स वहां रखा जाता है, और वो चर्च उनके नाम से भी अधिकतर जगह पर बनाया गया है। तो उनका आदर सम्मान, जो प्रभु के लिए मरा, जो शहीद बना, उनके आदर सम्मान में ये सब हुआ। और 787 का, 787 का निसिया दूसरी महासभा में भी ये एक निर्णय किया था, जब कभी कैथीड्रल चर्च जो नया बनाया जाएगा तो वहां पर ऐसे कुछ स्थान भी बनाकर रखना, क्रिप्ट बनाकर रखना, जो वहां पर सेवा करने वाले बिशपों को दफनाने के लिए उसके अंदर, चर्च के अंदर क्रिप्ट बनाकर रखने का नियम 787 के निसिया दूसरे महासभा में भी नियम बनाया था। तो आदिम कलीसिया में जहां कहीं भी इस प्रकार चर्चस बनाते थे, केवल कैथीड्रल चर्च ही नहीं, कोई भी चर्च बनाता है, ये देखने के लिए हमें मिलेगा कहीं किसी न किसी व्यक्ति का शहादत वहां हुआ होगा, नहीं तो चर्च बनाने के बाद ऐसे शहीदों का जो रेलिक्स जो है मिलता है, उसको ला करके जो स्थापित भी करता था। वो इस प्रकार के प्रभु के लिए जी करके जो लोग मर गए उनका आदर सम्मान करने के लिए है। और साथ ही साथ आपने ध्यान किया होगा, ऐसे जब बिशप जब उनको दफनाया, वहां पर कुछ कागज, कुछ ऐसे ऐसे चीजें वहां उनके साथ डालता हुआ, उसी जगह पर रखता हुआ, वो क्या था, वो है उस बिशप, जब बिशप बनकर के रहा उस धर्म प्रांत में, उनके द्वारा जितने पुरोहितों को जो ओडेन किया, अभिषेक दिया था, उनको उस डीकन के अवस्था में जब जो पुरोहिता अभिषेक दे रहा है, उनका सिर का बाल थोड़ा सा काटा जाता है, उसको बिशप जहां रहते हैं बिशप के, उस बिशप के अधीन उस बाल को रखता है। जब इनका मृत्यु होता है उस समय पर उस बाल को
उस बिशप के कब्र में उसको रखता है। वो है हम लोगों को कागज जैसे या कुछ पैकेट जैसे ला करके उसके साथ रखने वाला देखता है। उस बिशप के द्वारा जितने भी प्रीस्टों को पुरोहितों को ओर्डेन किया था उनका जो बाल काटा था उसको रखा जाता है। दूसरी बात है जो उनको दफन विधि में कई सुगंधित द्रव्य इस्तेमाल करता है। हमें मालूम है ईसा मसीह के दफन विधि में भी इसी प्रकार किया था, उसी को याद करता है। और दूसरी बात है मृत्यु के बाद ये खत्म नहीं हुआ है, वहां से एक नया जीवन शुरू हुआ इसको भी ये दर्शाता है। मृत्यु दुख वो शरीर सड़ करके खत्म नहीं हो रहा है, ये इस प्रकार का चाहे लोभान मान लो लोभान डाल रहा है, ये लोभान ये बता रहा है हमारी प्रार्थना का एक चिन्ह है। मैंने पिछले क्लासों में भी कई क्लासों में बोला प्रार्थनाओं का चिन्ह है। दूसरी बात है उन लोग नया जीवन का सुगंध अभी भी फैला रहा है, इसका भी ये घोषणा करता है। तो इस प्रकार कई बातें हैं दफन विधि में। तो पिछले एक क्लास के अंदर भी बहुत बातें मैंने बोल करके दिया। आज ये पूछा था क्यों बिठा करके दफन विधि करता है। ये राजकुमार के रूप में मसीह का राजकुमार है और मसीह के साथ 12 कुर्सियों में बिठा कर सिंहासनों में बिठा बैठ कर वो अभी भी वो प्रभु के साथ शासन करने का ये एकमात्र चिन्ह के रूप में इस प्रकार बिठा करके ओरिएंटल कलीसियाओं में इस प्रकार करता है। जैसे हमारे सिरो मलंगर कैथोलिक चर्च के अंदर इस प्रकार बिठा करके दफन विधि करते हैं। कई दफन विधि के बारे में जैसे कलीसिया के अंदर वो जिस प्रकार का सेवा किया था, जैसे बिशप को लोगों की ओर मुंह रख करके, जैसे कोई ले पर्सन अगर मर जाता है उनका दर्शन है वेदी की ओर होता है, लेकिन जीवन काल में वेदी में रह करके लोगों को की ओर देखने वाले बिशपों का दर्शन जो है लोगों की ओर रखता है। और कुछ चर्चों के अंदर हमें मालूम है जो दफनाने के टेम्बर बिशपों को दफनाते हैं उनका दर्शन वेस्ट की ओर रखता है, लेकिन अधिकतर चर्चों में ईस्ट की ओर ही, क्योंकि ईसा मसीह का पुनरागमन का दर्शन दोबारा आने का दर्शन जो ईस्ट से जो आएगा पूर्वी साइड से आएगा, ये विश्वास के साथ हमेशा दफन विधि में पूर्व की ओर दर्शन में दफनाता। कई चीजें इस प्रकार हमें ये सब सिंबल है, ये सब सिंबल है, ये सब हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ सिंबल है, उस सिंबल को हमें समझने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे बिशपों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए। कलीसिया में इस प्रकार जो भी बातें होते हैं चिन्ह के द्वारा हमें समझाते हैं, उसको समझते हुए उसको स्वीकार करने की कृपा हमें मिले। कैथोलिक कलीसिया जो कुछ सिखाते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझने और उसको स्वीकार करने की कृपा प्रभु हमें दें। हमारे सभी पुरोहितों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।